हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो गेम ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग देखेंगे कि हम अपनी रोलिंग डाइस वगैरह कैसे बनाएंगे। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम डाइस कैसे बनाएंगे, और डाइस में भी हम डाइस का एनिमेशन देखेंगे कि डाइस में जो रोलिंग एनिमेशन आता है, ये सारी चीजें हम कैसे देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, क्योंकि अब यहाँ से टेक्निकल चीजें शुरू होती हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीनेम करना चाहता हूँ। आपके लिए ये नेम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर हम कर लेते हैं तो एक अच्छा होगा, क्योंकि ये देखिए इस चीज को हमने लिखा है प्लेयर पीस, जबकि पीस तो एक होता है ना, और यहाँ तो बहुत सारे प्लेयर्स का कलेक्शन है, इसलिए हम इसको लिखते हैं लूडो होम। और इसके अंदर जो है रेड प्लेयर पीस को हम लिखेंगे रेड प्लेयर होम, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्लेयर पीसेस हैं वो ठीक है, इसे रेड प्लेयर पीस है ना। तो इसी तरीके से ये ग्रीन का होम है, बस ये नाम अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे आप अगर चेंज नहीं करते हैं तो कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। होम, होम, ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें रिक्वायरमेंट है डाइस की। अब डाइस जो नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, वो अगर हम खुद से बनाएंगे ना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो फिर से हम यूज करेंगे वही अपना एक ओपन गेम आर्ट, जहां पे हमने बताया था आपको आना है और सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है डाइस, ठीक है। जैसे ही आप डाइस को सर्च करेंगे, ये आपको कुछ रिजल्ट देगा, और इनमें से आप देख ले, हमें लगता है ये वाला डाइस जिसमें हमें देखिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा डाइस भी मिल रहे हैं, इसी से हम एनिमेशन बनाएंगे। तो इस वाले को हम लोग डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे आके डाइस को डाउनलोड पे लगाते हैं, और ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड हो जाएगा। जब तक वो डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम टेक्सचर में आते हैं और यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर का नाम डाइस। इसी फोल्डर के अंदर हम लोग अपने वो रखेंगे, क्या बोलते हैं, जो हम अभी डाइस डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। वेट अ सेकेंड, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। और एक चीज तब तक कर लेते हैं जब तक वो डाउनलोड हो रहा है सिस्टम। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार इसको गेम व्यू पे आते हैं, और ठीक है यहाँ पे हमारे सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं, और आप जानते हैं कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन भी जैसे ये वाला बोर्ड ऊपर था ना सेम प्लेन पे, तो हमने क्या किया था, लूडो स्प्राइट को -5 किया था ऑर्डर इन लेयर में। क्यों किया था, क्योंकि बाकी के जो प्लेयर आए इसके ऊपर रहे, ऐसा ना हो कि इसके नीचे छुपे हैं। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर डाइस रोल करानी है, तो डाइस रोल करानी है तो उसको भी इसके ऊपर रोल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इनको भी -5 कर देते हैं, जिससे इनका ये जो पोजीशन है लेयर की वो -5 पे हो जाएगी। और फिर हमें इस बोर्ड की तो अब जरूरत है भी नहीं, इस पे हमें कुछ करना नहीं है, बस जो डाइस आएगा उसके साथ काम करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे ये हो गया, आप इसे -5 करके पीछे कर दें। देन यहाँ पे क्या डाउनलोड हो चुका है, यस ये हो चुका है डाउनलोड। और आते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या है एक्चुअली में। एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है, आप न्यू फोल्डर बना लेना और ये यहीं पे हमें मिल जाएगा। अब आप देखो
ये जो कट करता हूँ यहाँ पे आया फोल्डर, इसको ओपन करें तो आप देखिए इसमें बहुत से हमें यहाँ से यहाँ तक इमेजेस मिल रही, कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है। तो अभी इस पे हम लोग ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको सीधे सेलेक्ट करेंगे और अपने इस प्रोजेक्ट के इस वाले फोल्डर में ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करेंगे, यहाँ से ले आएंगे और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके लिए इसको इंपोर्ट कर देगा। तो जब तक ये ड्रॉप हो रहा है वेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? यस ये हो रहे हैं। तो अभी हमारी सारी इमेजेस हमारे इस डाइस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी वो कर्सर काम नहीं कर रहा है बोर्ड पे, इसको इंपोर्ट होने देते हैं। इंपोर्ट होने के बाद ही हम कुछ अप कर पाएंगे, तो आप वेट कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका सिस्टम स्लो रहेगा तो हो सकता है और ज्यादा टाइम लगे, बट ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इमेजेस ज्यादा है इसलिए वो एक एक करके यहाँ पे इम्पोर्ट हो रही है। अब अगर ये इमेज हम लोगों को खुद से बनानी होती तो नहीं पॉसिबल था कि हम बना सके और इतनी एक्यूरेट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बना सकते हैं, बट इतनी एक्यूरेट नहीं बना सकते थे। इन इमेजेस की खासियत क्या है, मैं अगर इनको ओपन करूं और देखते हैं अगर ये नेक्स्ट होता है तो, नेक्स्ट नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़ दें। इनमें एक एनिमेशन है, जब ये एक दूसरे के साथ चेंज होंगे तो आपको ये एज ए एनिमेशन रोल करते हुए नजर आएंगे। वही चीज हमें करना है, अगर हम 1 से 32 की बात करें यहाँ पे तो ये एक भी सीक्वेंस में नहीं है, अल्टरनेट है, ऐसा कुछ है कि रोलिंग करते हुए लग रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओपन विथ कहाँ पे, फोटोज, फोटोज में तो चलेगा नहीं, नहीं चल रहा है, ठीक छोड़िए कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे ये सारे फोटोज आ गए हैं और ये फोटोज हैं, इनको अभी हमें स्प्राइट में करना है, तो आप शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ 32 सेलेक्ट करें तो ये सारे एक दूसरे से सेलेक्टेड हो गए, ठीक है। और इसके डिफॉल्ट में आके स्प्राइट 2D कर दें और यहाँ अप्लाई कर दें तो ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा और इन सारी इमेज को स्प्राइट में कन्वर्ट कर देगा और इन सब इमेज के साथ एक प्ले बटन बन जाएगा, है ना। ये देखिए अब ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, अब ये इमेज नहीं हो गए, अब ये एक स्प्राइट बन गए हैं। अब स्प्राइट को एनिमेशन में अगर हमें बदलना है जैसे कि, तो हम फिर से इसको शिफ्ट के साथ सारी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, 32 इमेजेस को, और अगर हम इसको अगर हम इसको यहाँ से उठा के अपनी हायरार्की में पेस्ट करेंगे तो ये एक एनिमेशन बनने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपका एनिमेशन कहाँ बनेगा, देखो एनिमी टाइप की फाइल जनरेट हो रही है और ये पूछ रहा है कि भैया कहाँ बनाना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चलते हैं एसेट्स के अंदर और एसेट्स के अंदर एक एनिमेशन नाम से फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर एनिमेशन, एनिमेशन, ओके। और एनिमेशन में भी एक फोल्डर बनाएंगे क्योंकि हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे एनिमेशन यूज हो रहे हों, तो हम लोग एक एनिमेशन बनाएंगे, कौन सा, डाइस, ठीक है डाइस, और इसके अंदर हम अपने इस एनिमेशन को सेव करेंगे, इसका नाम क्या रख दिया जाए, डाइस ही रख देते हैं, ठीक है डाइस डॉट एनिमी, ये सेव कर दिया। और यहाँ पे एक देखिए एनिमेशन बन गया है, भैया चलता हुआ नहीं दिख रहा है, हाँ हम चाहें तो इसका नाम, ये जो एनिमेशन यहाँ हायरार्की में आया इसका भी रीनेम कर लेते हैं,
फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस पे एनिमेशन हम चेक कर सकते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं रोलिंग डाइस, ठीक है। अब ये एक रोलिंग डाइस आई, इसको चेक करना है इस एनिमेशन को। तो हम क्या करेंगे, अगर हम विंडो पे आए हैं और यहाँ पे आपको कहीं मिल सकता है एनिमेशन और फिर से एनिमेशन, तो एक एनिमेशन का ये देखिए विंडो ओपन हो गया है और इसको आप कहीं भी स्पॉट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इसको प्ले करें तो ये देखो अपना ये डाइस रोल हो रहा है, बट नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। इसको हम और कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको और अच्छे से देखेंगे, बट थोड़ा सा इसके बीच में यहाँ पे जो हमारे पास ये एनिमेशन है, इनको आप इस तरह रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हैं, फिर इधर आके लास्ट में यहाँ से, हाँ यहाँ से या यहाँ से इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी ये मैंने जूम आउट किया है, देन आप फिर से इसमें से कॉपी कर लें। ये है एक एक प्लेयर पीसेस, यानी कि एक एक इमेज ही है, इनको अब हम रैंडमली कॉपी करके अगर बहुत जगहों पे पेस्ट कर दें तो एक अल्टरनेट एनिमेशन बन जाएगा, जो कि किसी भी सीक्वेंस में नहीं रहेगा। कभी यहाँ से ओवरराइट कर दिया है ना, तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉपी करना है और आपको यहाँ पे डालते चलना है, ध्यान दें कि गैप ना हो, नहीं तो काफी देर तक एनिमेशन आएगा नहीं। तो गैप वगैरह को ध्यान में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देन अभी अगर मैं इस चीज को रन करूं तो आप देखें ये हमारा एनिमेशन अब बाहर तक जा रहा है। इसको हम जूम, यहाँ पे गैप हो गया ना, इसलिए ये हो रहा है, इस चीज को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो इनको मैं वहीं तक फिल कर देता हूँ, या क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट। तो आप ध्यान रखिएगा ये गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो उतनी देर के लिए एनिमेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी इमेज नहीं है एक्चुअली में, केवल इमेजेज ही हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर अभी हम प्ले करें तो ये हमारा एक प्रॉपर एनिमेशन चलेगा। ठीक है, बाकी अब इसकी और भी कुछ सेटिंग्स होंगी तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे। आज हमें एनिमेशन बनाना था, फिर हम इस प्लेयर, इस वाले डाइस को ले आते हैं, वहां से अपने बोर्ड पे रखते हैं यहाँ पे, और इस चीज को थोड़ा सा जूम करते हैं, तब हमें ये क्लियर होगा कि एक्चुअली में हमारा ये डाइस काफी बड़ा है और इसको हम रिसाइज कर सकते हैं यहाँ से। हाँ ये अभी भी काफी बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम देखते हैं तो 3 point आई थिंक 5 सफिशियंट होना चाहिए, 3.5। और वाई में भी हम वही सेम रख देते हैं,
फाइव रखेंगे या सिक्स भी कर सकते हैं, सिक्स करके देखते हैं, 3.6। ठीक है, तो अभी ये सही है, जब हमारा डाइस रोल होगा तो कुछ इस तरह से रन करेगा। एक अल्टरनेट इसमें मूवमेंट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट पे आते हैं और प्लेयर्स, ये जो हमारे प्लेयर पीसेस हैं, अगर हम अपना लूडो बोर्ड में, लूडो बोर्ड डाइस बोर्ड में, डाइस बोर्ड में आए और ये जैसे हमारा कौन सा है, ब्लू प्लेयर पीस है ना, और अगर हम यहाँ पे ब्लू प्लेयर पीस को यहाँ पे रखें तो इसको छोटा करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रखा जाए, इसके लिए मुझे इसको ड्रैग करके ड्रैग करके ड्रैग करके ड्रैग करके ब्लू प्लेयर पीस ड्रैग करके इस पोजीशन पे लाना होगा, और फिर से वही थोड़ा सा हमें इसके साइज को अरेंज करना होगा, ताकि आप देखो ये चीजें अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यस आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, 3.8 और 3.8, थ्री पॉइंट फोर करके देख लेते हैं यहाँ पे, 3.34 एंड 0.34, 3.4, ठीक है। और आई थिंक ये अभी सही भी है, इसको इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और जूम करके भी देख सकते हैं, इसकी पोजीशनिंग सही है कि नहीं। तो मुझे तो ठीक लग रहा है ये अभी के लिए। यस, बस ऐसे ही 3.4 अगर ज्यादा है तो 3.3 करके देखते हैं, थोड़ी सी हाइट कम हो जाएगी 3.3, फिर आपके विड्थ भी हमने 3.3 कर दिया, 3.2, ओके। चलो, तो ये हमारा ब्लू का होम हो गया, ये एक इमेज है, इसमें कोई मूवमेंट होना नहीं है, ये हमने बस ऐसे ही लगाया है अच्छा लगने के लिए या पता चलने के लिए। तो इसी तरीके से हम रेड पे लगा सकते हैं, रेड वाले को भी डाइस बोर्ड के अंदर हम ड्रॉप कर दें, देन इसके यहाँ पे ले आए 3.2, इसका स्क्रॉल कर दें 0.32 और 0.32, ये 0.32 जो इस इमेज है यहाँ पे रख देते हैं। इसी के जैसा हमारे पास आपका ग्रीन प्लेयर पीस है, तो ग्रीन को भी इस पे ड्रॉप कर दें, यहाँ पे ले आए और ये आपका हो जाएगा 0.32 और वाई एक्सिस पे भी 0.32, और थोड़ा सा इसको अरेंज कर सकते हैं इस जगह पे। देन हम येलो प्लेयर पीस को यहाँ पे ले आ सकते हैं और इसको भी येलो प्लेयर पीस 0.32, देन हम इसे भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज हमने इन चीजों को देखा, अब हमारा गेम इस तरह से दिख रहा है, और बाकी की आगे अब हम लोग डाइस वगैरह बनाएंगे, डाइस के साथ जाएंगे, आगे की चीजों को देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखें और एक अच्छा गेम बनाने की प्रैक्टिस करें, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।